को जो अनंत कुमार जी को जो आप लोग जानते हैं, हम लोग इनको धरती पुत्र के नाम से जाने जाते, उनके कृपा से कुल चलते रहता है। जनता इतना उन्माद में है कि जनते ही कुल करता है, थोड़े अपने कुछ करते हैं यार, वो करते हैं मतलब कर... तो थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ वो है ना, वो है ये है, हम लोग को कखनियों ने लगता है कि ना है। ललन सिंह के यहाँ भी इसी तरह के व्यवस्था हो ही रहा है, ये चोरा के कहाँ से व्यवस्था होगा, ओकरा कहाँ से आदमी आवेगा। आरजेडी के पक्ष में है सारे जनता, वो लालटेन छाप में ही ईवीएम का बटन दबाएंगे और भारी मतों से नीलम देवी जी को जिताएंगे। मोकामा के जनता कुल का बोले एकदम आनंद सिंह के मानते हैं भगवान जनता के, इसलिए उनको कुछ न चलेगा। जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव होता है, यहाँ का जनता ही निर्णय करती है। चोर सब दिन चोरे लालमा से नाम है उसका है, बच्चा किडनेपिंग करता है। तो जनता भी इतना बुद्धू नहीं है, वो जो सालों भर जिनके लिए दरवाजा जनता के लिए खुला रहता है 24 घंटा, हाले ना दुर्गा पूजा में चार गो के काट दिया है, जैसे सब बिक दिया है गंगा जी में। लाइव बिहार, मैं रूपम आज मोकामा के लिए निकली और अभी मैं पूर्व विधायक अनंत सिंह के क्षेत्र में पहुंची हुई हूँ, उनके कार्यालय में पहुंची हुई हूँ और मैं यहाँ की जो तैयारियाँ जो हो रही है कल के लिए, जो नामांकन है उसके लिए जो तैयारियाँ हो रही है वो मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये जो जगह है मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी कि ये उनका पूरा जो ये जगह है, पूरा अनंत सिंह की ये जगह है, उधर से आने की रास्ता है, पूरा गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है और ये बहुत बड़ी, ये जो क्षेत्र है बड़ा है और अंदर मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से धीरे धीरे कार्यकर्ता आ रहे हैं। एक बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ यहीं पे जो लोग रह रहे हैं वही यहाँ पे नहीं है, बल्कि जो दूर दूर बाहर काम करने के लिए भी जो बाहर गए हुए हैं वो लोग भी टिकट कटवा कटवा कर यहाँ पहुँच रहे हैं कल के लिए और वोट उन्हें देने के लिए, कि ऐसा ना हो कि एक वोट भी मतलब रह जाए अनंत सिंह के पक्ष में। तो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और तैयारियाँ मैं तो आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि भीड़ तो भाई बहुत होती है, जिसका मतलब पता अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता है, 1 लाख से ऊपर की अंदाज लगाया जा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं। इसीलिए जो व्यवस्था है खाने पीने की वो क्षेत्र में आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह जो यहाँ पे लगा हुआ है, सामान यहाँ पे आ रहा है, इधर खाना लगातार बनते जा रहा है, 3 दिन से ये लगातार होते जा रहा है और एक जगह नहीं 3 जगह इसी तरह के कार्यक्रम होते जा रहे हैं। चलिए चलिए अशोक दादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा और मैं आपसे बात करती हूँ। इधर क्या बन रहा है यहाँ पे? अच्छा रसगुल्ला बन रहा है। अच्छा 1, 2, 3 बड़ी बड़ी यहाँ पे कढ़ाइयाँ लगी हुई है, आप इधर देख सकते हैं, ये अनंत सिंह जी का क्षेत्र है और यहाँ पर जितने भी उनके समर्थक आने वाले हैं उनको खिलाने पिलाने की पूरी तैयारी यहाँ पे हो रही है, पहुँच रहे हैं पूरी एकदम कम से कम 2 लाख आदमी का व्यवस्था होगा भोजन का सर, 2 लाख आदमी का व्यवस्था भोजन का होगा। और यही नहीं, ऐसा ऐसा अनेकों जगह भंडारा चलेगा। अच्छा। और इनका आज नहीं, लगभग 25 साल से हम लोग राजनीति में जा रहे हैं, 1995 से। उस वक्त हमारे दिलीप बाबू थे मंत्रिमंडल में, इन्होंने भी 3 बार विधायिका रहे, ये अभी नीलम देवी जी महिला उम्मीदवार हैं, अब सीनियर पूरे बिहार विधानसभा में सबसे सीनियर विधायिका होंगे, पूरे बिहार विधानसभा में सबसे सीनियर मोकामा विधायिका। और इनको जो अनंत कुमार जी को जो आप लोग जानते हैं, हम लोग इनको धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग बरबीघा माउर से चल कर आए, यहाँ से 46 किलोमीटर पड़ता है। तैयारियाँ हो रही है, कैसे क्या हो रही है, कितने लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अनंत सिंह जी यहाँ है नहीं, कैसे सब कुछ कर रहे हैं आप लोग? वो तो ऊपर से सबसे शुरू से वो विधायक जी की कृपा है, जनता के प्रेम है, उनके कृपा से कुल चलते रहता है। जनता इतना उन्माद में है कि जनते ही कुल करता है, थोड़े अपने कुछ करते हैं यार, वो करते हैं मतलब कर... तो थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ वो है, ना, वो है ये है, हम लोग को कखनियों ने लगता है कि ना है। अच्छा। कखनियों ने लगता है कि विधायक जी हमारे ना है, वो सब घड़ी लगते हैं कि हम लोग कम से कम 3-4 जगह हो रहा है, पंडारक में भी हो रहा है, मोकामा में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हाँ लोग कितने रेगुलर आ रहे हैं जा रहे हैं? वो तो आने जाने वाला की गिनती नहीं है ना रहता है, या तो लाखों पार करते रहते हैं, आना है जाना है, कोई लौट के भी जाना ना है इस जगह से, जो आएंगे उनका सब कुछ है। हाँ सब कुछ, सब व्यवस्था है। कल कितने पहुंच जाएंगे? कल कितने लोग पहुंच जाएंगे? वो अब गिनती तो नहीं है ना बतावेंगे कि 1 लाख से 1.5 लाख तो पार करवे ना करेगा, और ऐसे तो कम नहीं है उपाय है
अस्त व्यस्त वातावरण याद व्यवस्था हो रहा है। ललन सिंह के यहाँ भी इसी तरह के व्यवस्था हो ही रहा है। चोरा के कहाँ से व्यवस्था होगा, ओकरा कहाँ से आदमी आवेगा, माने वो चोर है तो ओकरा का बोले कहाँ से आदमी आवेगा। चोर कैसे हैं? चोर सब दिन चोरे ललन मासा नाम है उसका है, बच्चा किडनेपिंग करता है, पता लगाइएगा जाइएगा मुकामा में। तो हाल ही ना दुर्गा पूजा में चार गो के काट दिया है, जो सब बिक दिया है गंगा जी में। उसको जनता कहाँ से आवेगा जब खिलावेगा। विरोध नहीं करती है जनता जब विरोध तो करबे ना करता है। तो चुनाव हमसे वो पांच बार लड़ा और पांचों बार वो हारबे किया। अबरी तो उसको होशे न रहेगा, उसको तो चल जाए पड़ेगा बोल जाए बिस्तर बांध के मुकामा से। उसको तो रहना मुकामा में अबरी न, रोज का बोले है नाटके करेगा तो कितना करेगा। एक के दल में थोड़ी जो रहता है, कहियो इन्हें कहियो लोजपा तो कहियो पप्पू यादव में लोकतांत्रिक तो कहियो जदयू में तो कहियो बीजेपी में कहियो निर्दलीय। पांच बार लड़ा, दो बार तो अपनी मौगियो, तीसरा का बार लड़ेगा, चार बार अपने हारा है, दो बार मौगियो हारा है, तब पाँच बार तो हमारे विधायक जी विधायक हुआ उसको, तब पक्ष भी पक्ष है कहाँ। और तो बोल रहे हैं कि हमको मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, अब हम बजरंग बली बन के वहाँ पे कमल खिलाएंगे। जैसे मुकामा में कीचड़ है ये न है तो कमल का खिलावेंगे। एको गो रोड गली जाइएगा देखिएगा, एको गो रोड गली में कीचड़ रहेगा तब न कमल खिलेगा। सब विधायक जी साफ कर दिए हैं, अब बचल खुचल अबरी में मैडम साफ कर देंगे, यही कुल बरसाती में ढक निकलबे न करेगा। अच्छा, मतलब कोई कोना में कीचड़ नहीं बचा हुआ कि जहाँ कमल खिल। हाँ ना खिलेगा मुकामा। अजरी मनी जी के जो बचलो होगा जो अभी मैडम कुछ साफ कर देगा जनता के प्यार से। बजरंग बली हो गए वो कहने से ना होगा, बजरंग बली कहीं हुआ है ओकरा कहने से ना हो जाएगा। वो तो कल अथी नामने सर में पता लग जाएगा कि के को ओकरा आदमी रहेगा। कहीं ऐसा व्यवस्था ना हो रहा ना, चाहिए तो नहीं होना ना 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 कभी ना कहियो करबे नहीं किया तो करेगा कुछ। कहाँ जनता उसको भी मिलेगा जो रहेगा, ऐसा तो ऊपर नीचे जाइएगा सगरो जनते जनता। यहाँ से क्षेत्र में मुकामा तक जाइए कि जो विरोध एक को बोलेगा तब विधायक खड़ा हुए हैं तो लोग उनको भी तो कुछ तो जानता ही होगा। अरे विधायक जी में तो लड़ रहे हैं काबले 17 साल से हमारा से, आज से थोड़ी वो लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जानता है तब ना 10,000-5,000 वोट आके अपना हो जाते हैं ख़त्म। कहियो गए 30,000 के पार किए, सब दिन तो तीन नंबर पर एक बार हमको शुरू विधायक में 2500-2200 जीते थे तो वो घड़ी सेकंड पोजीशन उसका था, जखनी रामविलास जी के अथी से मिला था टिकट लोजपा से। तब जैसे जैसे हम बढ़ते गए हैं, जैसे जैसे चढ़ते जा रहे हैं, अब तब रही हम 40,000 वोट से जीते। अब रही तो कहने न है, जब एक पार्टी थे तब तो 40,000 से जीते, अब तो कुल पार्टिये मिलल है, महागठबंधने होल है। हाँ हाँ सब झंडा लगेगा तो वो का करेंगे। एगो मोदी जी के झंडा लगावे से का होगा, मोदी जी के झंडा लगावे से वो अब बहुत ठगे हैं, अब ना ठगाएगा वो जनता। महंगाई के से त्रस्त हो वो, उनका कोई उपाय ना अभी चलेगा कि वो मुकामा हमको जीतेंगे। आई मुकामा तो इस सेमीफाइनल ना होगा ना, ये कुछ ना चलेगा। यहाँ मुकामा के जनता कुल का बोले एकदम वो आनंद सिंह के मानते हैं भगवान जनता के, इसलिए उनको कुछ न चलेगा। ललन सिंह की बड़ाई तो आपने सुन ही ली है कि किस तरह से यहाँ पे लोग कह रहे हैं, अब हम ललन सिंह के यहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जानेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है, क्या इतने हुजूम वहाँ पे जुटे हुए हैं या जो ये कह रहे हैं वही सही है। माहौल बना हुआ है क्या कहिएगा? माहौल तो अच्छा है, आरजेडी के पक्ष में है सारे जनता। और जहाँ तक कमी की बात कर रहे हैं कि विधायक जी की कमी खल रही है, तो ये कमी नहीं खल रही है, बल्कि मैं ये कह दूं कि यहाँ जो मुकामा विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव होता है, यहाँ का जनता ही निर्णय करती है और जनता माननीय विधायक जी के पक्ष में है। वो लालटेन छाप में ही ईवीएम का बटन दबाएंगे और भारी मतों से नीलम देवी जी को जिताएंगे। ललटेन ही जलेगा जी, ललटेन जलेगा, पिछली बार ललटेन जलेगा। पिछली बार भी लोग ये कह रहे थे कि राजीव लोचन जी जीत रहे हैं, ये ब्रांड देखते हैं मोदी जी का और ये नीतीश जी का, उस टाइम देख रहे थे।
लेकिन मैं यहाँ बता दूँ तो जनता भी इतना बुद्धू नहीं है, वो जो सालों भर जिनके लिए दरवाज़ा जनता के लिए खुला रहता है 24 घंटा, सालों भर जो जनता मुकामा की जनता को यहाँ बाहर में भी अपना सेवा देते हैं, पटना में चाहे चला जाए रोग बीमारी जी, मुझे ये जानना है कि अनंत सिंह जी तो मतलब थे तो वो पूरा संभाले हुए थे, अब उनकी पत्नी इसका पूरा भार ये कर रही है, संभाल रही है, तो क्या उतना हुए सक्षम है, उतना कर पाएंगी, कर लेंगी? जी बिल्कुल सक्षम है, उनसे ज़्यादा फॉर्म में या रखे हैं। अच्छा, जी उनसे ज़्यादा फॉर्म में है ये, और जीत उतना मेहनत कर रहे हैं। अगला जो कैंडिडेट खड़ा होने जा रहा है मुकामा से, नॉमिनेशन से पहले आज तक एक दिन भी क्षेत्र में नहीं घूमे हैं। अच्छा। जब नॉमिनेशन करवाएंगे उसके बाद घूमेंगे। और नीलम देवी जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वो नॉमिनेशन से पहले अपने क्षेत्र में बार बार घूम रहे हैं, अपने जनता से उनका देख रहे हैं कि भाई क्या मतलब इनकी राय है, तो जनता उनका समर्थन भरपूर देगी। अब हम इन लोग से बात कर लेते हैं, कितना मिठाई बना चुके हैं आप लोग? बन गया 80 मन का। 80 मन बना लिए, मतलब काला वाला या व्हाइट वाला? वो काला वाला। काला वाला और उजला वाला? छेना उजला वाला भी बने का ऑर्डर है। कितना मतलब 40 मन का, मतलब उसके बाद ही बनते जाएगा? हाँ बनते, मतलब लगातार बनते ही जा रहा है। हाँ चलिए 80 मन अभी बनकर का गुलाब जामुन 80 मन बन के तैयार हो चुका है, और ही अभी अनगिनती है, बनते ही जा रहा है, क्योंकि स्टॉक एक रहते है ना कि स्टॉक करके रखा जाए, वो चीज़ यहाँ नहीं है, लोग आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, आप खाइए और सारा कुछ बनते जा रहा है, घटने वाला तो कोई बात ही नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता हैं जो भी हैं वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके रहने खाने सारा कुछ का व्यवस्था मैं आपको दिखा रही हूँ, कैसे यहाँ पे यानी कि लाखों के ऊपर जो टारगेट लिया जा रहा है कल पहुँचने का, वो तो पता ही चल रहा है। चलिए हम भी इंतज़ार करते हैं कि कल कितने लोग पहुँच रहे हैं, देखते रहिए लाइव बिहार, देखते रहिए, और भी मैं क्षेत्र घूमूंगी और वहाँ पे लोगों से जानकारी लूंगी कि आखिर कितना क्या है तैयारियाँ उन लोगों का, किसके फेवर में है वो लोग। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।